वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और हमें खबर मिली की भैया सीबीएससी वाले टर्म टू का सैंपल पेपर निकाल दिया तो हमने देखा सैंपल पेपर आप लोगों ने देखा बेटा तो अभी मैं क्लास टेंथ में भी पढ़ा रहा था तो मैं देख रहा था बोर्ड्स के बच्चे एकदम से एम सी क्यू से इन्होंने पूरा यू you नो know, क्या कहते हैं सब्जेक्टिव कर लिया है ना पूरे जज्बात बदल दिए यू नो हालात बदल दिए <दिये। laughs> और मतलब सब्जेक्टिव पेपर देख के कैसा लगा बच्चे बताओ आप मुझे अपने कमेंट्स बताओ हाय बेटा फिर कैसा लगा आपने जब यू you नो know, कैसे हो बेटा मैं तो बढ़िया हूँ मैं आई एम गुड आई एम डूइंग गुड तो मैंने कहा एक बार आपके साथ डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर बायोलॉजी का ठीक है पेपर ईजी है बट ट हैबिचुएटेड ऑफ एमसी ना एम सी को करना ईजी रहता है सब्जेक्टिव uh, पेपर करेंगे बट आई विल टीच यू डोंट वरी अबाउट इट बहुत ही बड़े तरीके इसको तैयारी करेंगे जैसे हमने टर्म वन में करा था ना उससे डबल तैयारी करनी पड़ेगी टर्म टू के लिए तो यू हैव टू बी ऑलरेडी है ना परफेक्ट ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो एक बात पेपर देख लेते हैं मैं आपको पहले वो बता देता हूं तो बेटा ये पेपर है ठीक है तो इट इज सब्जेक्टिव पेपर है थर्टी फाइव नंबर का है पेपर इज फॉर थर्टी फाइव मार्क्स एंड इट बी फॉर टू आर्स एंड सी देर आर थर्टीन क्वेश्चन तेरा क्वेश्चन है बेटा थर्टीन क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कंपल्सरी है ऑब्वियसली इंटरनल चॉइस है यहां पे है ना इसमें इंटरनल चॉइस है थोड़ी सी सेक्शन ए है सिक्स क्वेश्चन ऑफ टू मार्क्स ईच

नंबर का सेक्शन सी पांच नंबर का छे छह क्वेश्चन है ए और बी में और सी में पांच ठीक है तो ये है बेटा क्वेश्चन वॉज गुड क्वेश्चन पेपर इज गुड इजी है है और मतलब आई वुड से अगर आप थोड़ा सा अपना लॉजिक्स लगाओगे ना तो यू वुड बी एबल टू डू इट ठीक है चलो आपको सॉल्व कराता हूं बहुत ही बढ़िया सी पीपीटी बनाई है हम लोगों ने तो उस पर सॉल्व करते हैं <laughs> ठीक है <laughs> यस परफेक्ट बेटा वेदांतु में टर्म टू के कोर्सेस चल रहे हैं तो लुकिंग एट द सैंपल पेपर आई वुड हाईली रिकमेंड यू एक्सक्यूज मी टर्म टू का बेटा कोर्स चल रहा है ठीक है द कोर्स प्राइस इज फाइव हंड्रेड रुपीज फॉर फोर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चार सब्जेक्ट एट जस्ट फाइव हंड्रेड रुपीज वन ट्वेंटी फाइव आई गेस इतना ही है पर सब्जेक्ट ठीक है आप हर महीने का कितना देते हो आई गेस टू थाउजेंड रुपीज इज मिनिम विच यू पे फॉर मंथ है फोर सब्जेक्ट एट जस्ट today today ऑफ the ऑफ कल से नाइन हंड्रेड का हो जाएगा फिर से गो <coughs> देखो वीडियो के नीचे आओ आप ग्रेड ट्वेल्थ टर्म टू सिलेबस प्रिपरेशन इस पे क्लिक करो इस पेज पे आ जाओगे ठीक है बेटा इफ यू सी आई गेस द एंटायर कोर्स प्राइस फाइव थाउजेंड रुपीस क्लिक ऑन दिस, ओके यू विल गेट इट फॉर ओके फाइव थाउजेंड रुपीस आई गेस ये कम था यस आई गेस कोर्स प्राइस चेंज हुआ बेटा यू कैन गेट ऑफ ऑफ टू थाउजेंड रुपीज एंड नाउ आई गेस it is available for 5k केओनली, yes guys term to full syllabus course click on this, guys it is available for 5k okay it is at 50% off I would highly recommend you अगर आपने course join nahi kara है five oh sorry <laughs> yes 5000 thousand rupees में it is till the exam जब तक आपका exam खत्म नहीं होगा तब तक ये same चलता रहेगा, ठीक है तो do enroll into it क्योंकि आपके एग्जाम कब हो रहे हैं आपको पता नहीं है मार्च वी विल मार्चर इट मार्च में ही होना चाहिए आप सोच के चलो मार्च में ही होंगे बट अगर नहीं होते हैं तो बी प्रिपेयर फॉर इट ओके तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग बेटा लाइव क्लासेस टेस्ट इंक्लूड असाइनमेंट नोट्स डाउट सॉल्विंग एवरीथिंग ओके अगर आपने नहीं एनरोल कराया आई वुड यू टर्म में बेटा डोंट टेक एनी चांसेस लाइक टर्म वन ठीक है इट विल मेक योर बेस फॉर द एग्जाम ऑल्सो स्ट्रॉग कूल यू कैन यूज द कोड ए आर ए प्रो to गेट द एंटायर कोर्स अडर डिस्काउंट ऑफ टू थाउजेंड rupees. Perfect. आ Let us do this guys. Yes. हम्म hmm. तो section A पे आ जाते हैं तो बच्चों आपने प्रि प्रिपेयर करा आपने चेक करा इसको करके देखा कोशिश करी ये तो ह्यूमन तो हेल्थ एंड डिसीज का चैप्टर है जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं है ना बेटा स्नेहा यस yes. बेटा केमिस्ट्री की नई टीचर आ रही है है ना केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट नई टीचर ऑलमोस्ट आ गए ठीक है करा देखो बहुत ही आसान है ह्यूमन हैव इन इम्यूनिटी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन दैट मे एंटर द गेट अलॉन्ग फूड वॉट आर द टू बैरियर्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम सच ये हमने कल ही करा था याद है अभी लास्ट क्लास में हमने क्लास ट्वेल्थ के करा था यस yes? क्या होगा इसका जवाब यस yes, बताओ यस yes, बेटा फिजिकल बैरियर लाइक स्किन है ना बेटा देन फिजियोलॉजिकल बैरियर फिजिकल एंड and... फिजियोलॉजिकल बैरियर दीज आर प्रेजेंट सिंस द the... बर्थ बताओ इतना आसान सवाल है है ना बेटा फिजिकल क्या हो गया म्यूकस स्किन है ना म्यूकस और म्यूकस है ना जो गैस्ट्रो ट्रैक में रेस्पिरेटरी ट्रैक में और स्किन फिजियोलॉजिकल बैरियर स्टमक में जो एसिड है टीयर सलाइवा इन द माउथ आंखों से टीयर ये सब क्या फिजियोलॉजिकल है ना बहुत ही आसान नेक्स्ट वन अ पेशेंट एडमिटेड इन आईसीयू वाज डायग्नोस्ड टू हैव सफर्ड फ्रॉम अ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन द कंडीशन करोनरी द इमेज बिलो देखो इनकी आर्टरी में क्या हो गया बेटा गंद जमा हो गया कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है ठीक है आर्टरी कौन सी होती है वो वाली आर्टरी जो हार्ट के सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है ठीक है बेटा अब एक चैप्टर है हमारी क्लास ट्वेल्थ में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वो मैं पढ़ाऊंगा आपको ठीक है उसमें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका बेटा ठीक है यस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर बेटा जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है ना उसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं तो ये डायरेक्ट एग्जाम्पल वहां से आया हुआ है तो यू कैन आंसर इट डायरेक्टली वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है देन यस हैम दू बायो एक्टिव एजेंट्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन दैट इंप्रूव इन दिस कंडीशन है ना बेटा प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट इज अ गाइस ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट सेम चीज ये भी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले उसमें एग्जाम्पल है स्टार्टिन प्रोड्यूस बाई मोनेस्कूरस है ना सेम और ये स्टेप्टोकाइन प्रोड्यूस बाई स्टेप दोनों उसमें एग्जाम्पल है इट इज यूज क्लॉट बस्टर इट इज यूज ब्लड कोलेस्ट्रॉलिंग एजेंट ठीक है, है डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है वेरी इजी क्वेश्चन नेक्स्ट वन सबस्टांशिएट बाई गिविंग टू रीजन एज टू वाई अलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लोरा एंड फोना एंड द क्रॉपलैंड इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एन अप्रोप्रिएट बायो कंट्रोल मैथड अब ये बेटा इकोलॉजी वाले यूनिट्स है ये भी मैं कराऊंगा बहुत ही ईजी है ठीक हो है होता क्या है बेटा ऑर्गेनिजम के बीच में रिलेशन होते हैं है ना हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैसे होते हैं म्यूचुअलिज्म होता है है ना कॉम्पिटिशन होता है एमनसालिज्म होता है कमन होता है तो ये सब हम डिस्कस करेंगे ठीक है अब हमें इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्यों होनी चाहिए ताकि ये बेटा जब हम किसी फॉरेन एजेंट को इंट्रोड्यूस करें तो जो नेटिव स्पीशीज होती है नेटिव मतलब जो ऑलरेडी रहती है उससे वो कंपीट ना करे उनके रिसोर्सेस को ये खत्म ना करे, है ना तो हम ये देखना पड़ता है इंसेक्ट विच डिपेंड अपॉन फ्लोरा एंड फोन एज अ फूड और होस्ट मे नॉट बी एबल टू सरवाइव मतलब क्या होगा जो उनके बीच का रिलेशनशिप है वो डिस्ट्रप्ट हो जाएगा ठीक है अब ये क्या कह रहा है बेटा बायो कंट्रोल मेथड क्या है है ना बायो कंट्रोल मेथड ये होता है बेटा कि किसी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि लेडी बर्ड को लेके आ गए ताकि वो पेस्ट को खा जाए ठीक है तो अब ये क्या है प्रेडेटर है ये जो लेडी बग आई है प्रेडेटर है इसको पेस्ट को खाने वाला है ठीक है ये आके इसको खा तो जाएगा बट ये जब आ रहा है ये दूसरे किसी

बेटा अंशिका कंटिन्यू चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लेक्चर्स जनरली ट्यूसडे और फ्राइडे को होते हैं तो आई एल मेक श्योर कि वो ज्यादा अब मैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दूंगा ठीक है क्लास ट्वेल्थ के लेक्चर्स की नाउ आइडेंटिफाई द कंपाउंड केमिकल स्ट्रक्चर ये बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ही है है ना तो उसमें ड्रग अब्यूज में ये एक पार्ट है ड्रग अब्यूज में ठीक है इट इज मॉर्फिन है ना बेटा वहाँ पे कोकेन भी है और दो तीन और भी है ठीक है तो वो सब आपको स्ट्रक्चर्स देख लेना एक बार अगर ये आया हुआ है तो स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देख लेना ठीक है बुक में एक साथ तीन चार दिए हुए है ना ओपीआइड्स कोका एल्कोइड्स है ना ये सब दिए हुए हैं वहां पर आप देख लेना इनके स्ट्रक्चर्स ठीक है ना फिजिकली इट अपियर्स वाइट ओडरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड यह समझे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ये व्हाइट कलर की है ओडरलेस है और क्रिस्टल लाइन कंपाउंड है मॉर्फीन ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट मैंने हर बार कहा बेटा जो लास्ट का जो हर चैप्टर के जो लास्ट का पेज होता है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो डू स्टडी दिस नेक्स्ट वन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा डायरेक्ट अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाओगे तब भी हो जाएगा देन हियर वाटर सैंपल्स वेर कलेक्टेड एट पॉइंट ए बी एंड सी एंड टेस्टेड फॉर बीओडी बीओडी क्या होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना बेटा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो एक वाटर की प्यूरिटी का इंडिकेटर होता है अगर बीओडी ज्यादा है तो वाटर इंप्योर है बीओडी कम है तो वाटर प्योर है ठीक है बीओडी क्या होता है बीओडी होता है बेटा कि कितना ऑक्सीजन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा बैक्टीरिया को ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर है पानी में उसको डिकम्पोज कर दे <coughs> मतलब एक पानी है है ना पानी में ऑर्गेनिक मैटर होता है सीवेज पानी होता है ना जो पॉटी का पानी होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है।, है ना उसको हम बैक्टीरिया से खत्म करते हैं तो बैक्टीरिया जब उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहा होता है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है समझ रहो? अगर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा क्योंकि ज्यादा डींपोज करना है कम ऑर्गेनिक मैटर होगा तो कम ऑक्सीजन चाहिए होगा है बेटा तो कम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी बीओडी कम है इसका मतलब पानी थोड़ा प्योर है कंपेरिटिवली प्योर है बीओडी बहुत ज्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा है इसका मतलब पानी थोड़ा इम्प्योर है वेरी गुड क्वेश्चन ये हमेशा आता है ठीक है अब ध्यान से देखो बीओडी लेवल फोर हंड्रेड बी में कितना है एट सी में एट क्यों क्योंकि देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है यहां पे है. इसको ट्रीट कर दिया वॉटर पोल्यूटेंट प्रेजेंट और प्योरिटी ऑफ द वॉटर वाई बीओ गेट रेड्यूसड सी बिकॉज ऑफेजमेंट प्लांट Which removes this thing. ठीक बेटा वेरी गुड परफेक्ट है बेटा एट कलेक्शन पॉइंट ए एंड बी द बीओ बिकॉज ऑफ हाई ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है ना फ्रॉम द शुगर फैक्ट्री शुगर फैक्ट्री ने क्या करा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट इसमें डाला हुआ है ना बेटा सी में कम है यस बिकॉज आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रांस ट्रीटमेंट स ग्रोथ ऑफ एरो माइक्रोब्स इन टू द फ्लॉक्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द रिवर वॉटर और एफ्लुए शुगर हम लोग एरोक्टीरिया को ग्रो करते हैं जिससे जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है वो खत्म हो जाता है ठीक है प्रतीक्षा कह रहे सर सिलेबस करवा दे बेटा तभी तो मैं कह रहा हूँ पेपर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पैटर्न क्या है पेपर का ठीक है और मैं इसको दोबारा जल्दी जल्दी कराता ठीक है एक और एकोलॉजी का एन एनिकोलॉजी स्टडी एन एरिया विद अ पॉपुलेशन ए थ्राइविंग ऑन द अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड शोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इंट्रोड्यूस पॉपुलेशन बी एंड सी इन द सेम एरिया वॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन ए बी एंड सी वेन लिविंग टूगेदर मतलब एक पॉपुलेशन ए ग्रो कर रहा था अनलिमिटेड रिसोर्स पे अब इसने क्या करा बी और सी को इंट्रोड्यूस कर दिया अब क्या करेंगे बेटा ये लोग कंपीट करेंगे एक दूसरे से जब जब हमने एक ही जगह पे तीन लोगों को कर दिया तो क्या होगा वो कंपटीशन करेंगे एक दूसरे से इससे क्या होगा यस ग्रोथ इनकी लिमिटेड हो जाएगी यस द इंट्रैक्शन विल लीड टू कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन ए बी एंड सी फॉर रिसोर्सेज इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस ठीक है

फेक्ट नेक्स्ट वन विद डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ फिक स्पीशीज इट वॉज नोटिस दैट पॉपुलेशन ऑफ वॉस स्पीशीज ऑल्सो स्टार्ट टू डिक्लाइन फिक क्या है फिक बेटा एक फ्रूट होता है फ्रूट का प्लांट होता है ठीक है वॉस क्या होता है एक मस कीड़ा होता है मधुमक्खी की तरह वॉस जो है फिक को खाता है और वहां पर अपने एग्स देता है मतलब उसको रहने की जगह यूज करता है ऑब्वियसली अगर फिग नहीं रहेगा तो इसके पास खाने की जगह नहीं होगी है ना ना फिर इसके पास रहने की जगह होगी तो इसका पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंड वॉट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन रिलेशनशिप बेटा इस ऐसी रिलेशनशिप जहां पे दोनों बेनिफिट होते हैं वॉस्प क्या करता था फिग को पोलिनेट करता है और फिग क्या करता है इसको रहने की जगह देता है इसको ब्रीड करने की जगह देता है इसको खाना देता है ठीक है तो दोनों का भला होता है ऐसी रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं ठीक है परफेक्ट ये देखो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट एंड द पॉलीनेटर इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म ऑन द वॉस्ट फॉर पॉलीनेशन फिक जो प्लांट है वो वॉस्ट पे पॉलिनेशन डिपेंडेंट है एंड वॉस्ट डिपेंड ऑन द फिक फॉर फ्रूट फूड एंड शेल्टर विथ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ फिक्स वॉस लूज इट सोर्स ऑफ फूड एंड शेल्टर अभी उसका पॉपुलेशन कम हो गया ठीक है ग्लोबल टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है अंटार्क्टिका में जो रहते हैं ठीक है वहां पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हुआ आउट ऑफ द रेगुलेटर्स एंड कॉन्फॉर्मर्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैवे बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल बेटा देखो ठीक है ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना बेटा रेगुलेटर्स क्या करते हैं अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं कन्फॉर्मर्स रेगुलेट नहीं कर पाते है ना तो होता क्या है जैसे कि हम लोग रेगुलेटर्स हैं ह्यूमन्सर रेगुलेटर्स बाहर का टेम्परेचर ठंडा होगा हम क्या करेंगे हम अपनी बॉडी को गर्म करने की कोशिश करेंगे बाई शिवरिंग बाहर हॉट हुआ वी विल स्टार्ट स्वेटिंग ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर कम ही रहे ज़्यादा बढ़े ना बट फिशेस रेप्टाइल्स उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती तो कौन ज्यादा सर्वाइव कर सकता है हम लोग ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं एज टू ठीक है तो यस रेगुलेटर्स विल सर्वाइव बेटर एज कंपेयर टू कन्फॉर्मर्स है ना बेटा गिव टू अडेप्टेशन दैट सपोर्ट दम इन सर्वाइविंग इन द एम्बियन एनवायरमेंट वन सुटेबल एग्जाम्पल देखो यस रेगुलेटर्स सर्वाइव करेंगे थर्मो रेगुलेशन जैसे मैंने बताया टेम्परेचर को हम रेगुलेट कर सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन वाटर एंड आयन को भी हम रेगुलेट कर सकते हैं और एग्जाम्पल बताया ह्यूमन बर्ड्स और मैमल्स आर टाइप ऑफ रेगुलेटर्स है ना परफेक्ट सेक्शन बी में आ जाते हैं सेक्शन ए इजी था कंपेरेटिवलीजी था ऑब्वियसली थोड़ा इस बार आपको लिखना पड़ेगा तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट विजुअलाइजेशन वर्ड यह कौन सी ऑपोजिशन टीम है ये कौन सी टीम है भैया ओपोजिशन हमारी भविष्य कह रही है विजुअलाइजेशन ओपोजिशन टीम है ये क्या है भैया अंग्रेजी है विजुअलाइजेशन ओपोजिशन टीम कौन सी है सारी टीम हमारी तो है <laughs> बड़ा दुनिया में सारी टीम हमारी है सारी टीम एजुकेशन की है <laughs> समझ रहे हो कोई ओपोजिट टीम नहीं है <laughs> अरे यार सारी टीम हमारी है एजुकेशन की है यस <laughs> yes. सेक्शन बी हाउ डू नॉर्मल सेल्स गेट ट्रांसफॉर्म इंटू बेटा तो होता क्या बेटा कैंसर क्या होता है अबिलिटी टू स्टॉप मतलब बड़े होते जाते हैं मतलब होते हैं ना कुछ बच्चे जो लंबे होते जाते होते जाते होते जाते रुकते नहीं आए उसी तरह कुछ सेल्स होते हैं दे लूज द अबिलिटी टू स्टॉप मतलब डिवाइड होते जाते हैं

और बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स रे एंड रेस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी है ना अब और, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता हैं ठीक है केमिकल्स प्रेजेंट इन जब आप स्मोक करते हो तो क्या होता है जो केमिकल्स आते हैंजीन है प्रोटो ऑनकोजीन विच गेट एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन अब ये सेलुलर ऑनकोजीन और प्रोटो ऑनकोजीन क्या हमारा डीएनए होता है ना बेटा इसमें से कुछ डीएनए के सीक्वेंस कैन कोड फॉर अ कैंसर बट ये इनएक्टिवेटेड होते हैं क्या होते हैं इनएक्टिवेटेड इनको ऑनकोजीन कहते हैं क्या कहते हैं बेटा ऑनकोजीन ऑनकोजीन मतलब कैंसर कॉजिंग जीन ठीक है जो कि इनएक्टिवेटेड होते हैं बट ऑनकोजीन क्या है ऑनकोजीन ऐसा जीन है जो कि सेल को कैंसर बना देता है कुछ वायरस ही लेके घूमते हैं कई बार हमारे डी एन ए में ही होता है ऑनकोजीन जो कि एक्टिवेटेड हो जाता है जब आप एक्सप्रेस एक्सपोज होते हो किसी रेडिएशन को या फिर आपने कुछ केमिकल खा लिया है इनहेल कर लिया है तो वो कैंसर हो जाते हैं समझ रहे अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ हाई ग्रेड फीवर विच विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई टाइफॉइड निमोनिया और मलेरिया एक इंसान को फीवर है आपको कैसे पता चलेगा कि टाइफॉइड है उसको निमोनिया है कि मलेरिया सिम्टम्स अगर आपको याद है हमने देखा था टाइफॉइड में क्या होता है पेट में दर्द होगा टाइफाइड जो है माउथ से एंटर करता है तो कॉन्स्टिपेशन स्टमक पेन ये सब चीजें होंगी ठीक है नाउ, निमोनिया में क्या होगा बेटा? लंग्स में फ्लूइड भर जाता है है ना लिप्स नेल्स वगैरह पर्पल होने लगती हैं, तो हमें निमोनिया मलेरिया में क्या होता है बेटा साइकिल ऑफ फीवर और चिल होता है कभी फीवर है फिर चिल हो गया तो ये हमें पता मलेरिया समझ रहे देखो

एंड हाई फीवर रेकरिंग एवरी थ्री टू फोर डेज देन इट इज मलेरिया चिल्ड एंड फीवर एवरी थ्री टू फोर डेज कैन को मलेरिया वेरी इजी बेस्ड ऑन दिस थिंग देखो ये अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ इट इज टोटली अप्लीकेशन कि आप कितना सोच पाते हो यह तभी होगा जब यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरी कॉन्सेप्ट प्रॉपरली ठीक है नेक्स्ट वन रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ अ पैथोजन और एक्सपोजर टू अ पैथोजन ऑकर्स ड्यूरिंग मेनी टाइप्स ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स इंक्लूडिंग एक्टिव इम्यूनिटी एंड इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सेज एलिसटेड व्हेन ह्यूमन बींगस गेट एनकाउंटर्ड बाय अ पैथोजन कौन से कौन से रेस्पॉन्स होते हैं ह्यूमन बींगस जब एक्सपोज हो जाते हैं पैथोजन को है ना बेटा दो चीज होती है डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी का नंबर बढ़ जाता है है ना एंटीबॉडीज प्रोडक्शन बढ़ जाता है है ना बेटा ये सब चीजें लिखनी है वेन आर बॉडी एनकाउंटर एंटीजेनिक प्रोटीन और पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस अ लो इंटेंसिटी रेस्पॉन्स प्राइमरी रेस्पॉन्स याद है उस पर है ना इट रिटेन्स द मेमोरी ऑफ द रेस्पॉन्स

एंटीबॉडीजो वो बढ़ जाता है की जो निकल जाता है समझे वेरी गुड क्वेश्चनॉजिकल लैब आ सीरीज ऑफ स्टेप्स वेर अंडर टेकन फॉर फाइंडिंग अफ इंटरेस्ट डिस्क्राइब द स्टेप है ना मेक अ फ्लो चार्ट शोइंग द प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन देखो सेम चीज है बेटा ठीक है इसके लिए मैं PCR ही करना पड़ता है, ठीक है ठीक है बच्चे तो पीसीआर टेक्निक से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को कर सकते हैं उसमें भी तीन स्टेप होते हैं: डीनेचुरेशन Annealing and extension. The DNA strands are treated with a temperature of 94 degree jisse denaturation मतलब क्या होता है? जो DNA की strand है वो separate हो जाते हैं. Annealing में क्या होता है? Separated strands पे हम एक primer लगाते हैं, है ना बड़ा? Primers anneal to the complementary strand. फिर होता एक्सटेंशन फिर इनको increase एक्सटेंड करते हैं तो जिससे हमारे पास दो डीएनए सेगमेंट्स आ जाते हैं.

ठीक है अब ध्यान से देखो अब जब आप स्पीशीज उसके रहने की जगह को आप फ्रैगमेंट कर लोगे तो उनकी मूवमेंट में दिक्कत होगी उनके ब्रीडिंग में दिक्कत होगी ह्यूमन स्पीशीज इंट्रेक्शन होगा उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होगी ठीक है इंट्रक्शन ऑफ एन एलियन स्पीशीज टू एनवायरमेंटल डैमेज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस स्पीशीज गिव एनी वन एग्जाम्पल देखो सबसे पहले वेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन स्मॉल टू वेरियस एक्टिविटीज मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज

तो उसको तुमने मार दिया बेचारे को है ना तो अ प्रॉब्लम एग्जाम्पल देखो नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इन टू लेक पर्च एक तरह की फिश थी आई गेस है ना इवेंचुअली इवेंचुअलीट टू द एक्सटिंक्शन ऑफ 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 यूनिक असेंबलेज मोर देन स्पीशीज स्पीशीज ऑफ चिचलेड फिश मतलब नाइल पर्च को इन लोगों ने लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस करा इसकी वजह से दो सौ स्पीसीज ऑफ चिचलिड फिश एक्सटिंक्ट हो गई क्यों क्योंकि इसने इसको खा गया या फिर इसको कॉम्पिटिशन दिया ियम लैंड वॉटरमेंटल डैमेज एंड थ्रेड टू आर नेटियम नेटिव स्पीशीज पार्थिनियम को लेकर आए इंडिया में डाला स्पीशीज को जीने का मौका नहीं देती बेचारी खा गई सारा खाना एफ्रीकन कैटफिश क्लेरिया ग्रेव गस इंट्रोड्यूस फॉर एक्वाकल्चर पर्प इज पोसिंग अ थ्रेड टू द इंडिजीनियस कैटफिश इन आर रिवर्स समझ लो एफ्रीकन कैटफिश

एक्सटिंक्शन ऑफ सेस्टेला सी गाउ एंड पैसेंजर पिजन बी सेव्ड बाय मैन गिव रीजन यस अगर ह्यूमन बींग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे हम लोग तो वी कैन डेफिनेटली प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बेटा डेवलपमेंट कीपिंग इन माइंड द एनवायरमेंटल कंसर्स ओके परफेक्ट एक और देख लेते हैं द इमेज शोज सेक्रेड ग्रोव फाउंड इन इंडिया सेक्रेट ग्रोव सेक्रेड ग्रोव क्या होता है बेटा वो वाले फॉरेस्ट होते हैं जिसको लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है रिलीजियस सेंटीमेंट अटैच होते हैं केरला में काबू कहते हैं है ना उसमें क्या होता है बेटा जो लोकल लोग होते हैं ना वो एक रिलीजियस सेंटीमेंट अटैच कर लेते हैं और कहते हैं कि ये भैया ये सेक्रेट है है ना ये जो पेड़ है सीक्रेट है इसको काटो मत इसकी वजह से क्या होता है लोग उसको काटते नहीं है पेड़ों को है ना प्रोटेक्शन हो जाती है एनवायरमेंट की उ हेज ह्यूमन इन्वायरमेंट हेल्प इन द प्रजवेशन ऑफ दिसोडावर्स रिच रीजन देखो इंडिया हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन एम्फोसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर इंडिया के कल्चर और रिलीजन में ही है कि नेचर को प्रोटेक्ट करना इन मेनी कल्चर ट्रैक्स ऑफ फॉरेस्ट आर सेट असाइड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन देश टोटल प्रोटेक्शन जो भी वाइल्ड लाइफ उस एरिया में होता है, है ना प्रोटेक्टेड एरिया में उसको पूरा प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट लास्ट रेफ्यूजेस टू लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थर्टेन प्लांट्स रेयर थर्टेन प्लांट्स को ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं इन दिस अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ जी रिग्रेशन को स्पीशीज रिचनेस एक एरिया का बेटा स्पीशीज स्पीसीजनेस ज्यादा होता है जब उसकी जी वैल्यू ज्यादा होती है इसने पूछा एक की जी वैल्यू है जीरो पॉइंट सेवन एक की जीरो तो पॉइंट है तो इसकी स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगी स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी ज्यादा है जैसे कि कितने टाइप ऑफ मैंगो है कितने टाइप ऑफ छिपकली है कितने टाइप ऑफ इंसेक्ट है ठीक है बेटा जिस इकोसिस्टम की स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होती है वो स्टेबल होता है इकोसिस्टम हो अगर स्पीशीज स्पीशियसनेस कम है उसमें से अगर एक भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम गिर जाएगा <coughs> बट अगर स्पीशीज ज्यादा है है ठीक तो इससे क्या होगा वो पूरा का पूरा का इकोसिस्टम यू नो कंटिन्यू करता रहेगा इट विल नॉट डाई ऑफ ठीक है परफेक्ट एरिया ए विल हैव मोर स्पीशीज रिचनेस एंड अ स्टीपर स्लोप परफेक्ट अब ये बहुत ही सही सवाल था द इमेज शोस रिजल्ट ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये कह रहा है जो लैडर में अप टू थ्री थाउजेंड बेस पेयर है ये पूछ रहा है विच ऑफ द बैंड वन टू फोर करेस्पॉन्स टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बेस पेयर एंड हंड्रेड बेस पेयर वन टू थ्री फोर में से पच्चीस सौ बेस पेयर किस में और हंड्रेड बेस पेयर किस में बताओ कौन बताएगा टेलमी गाइज वॉट द आंसर फॉर दिस एनी देखो में देखा था ना स्मॉलर द सेगमेंट फार्दर इट विल ट्रेवल बिगर द सेगमेंट लेस इट विल ट्रेवल कम है तो इट विल हैव द मोस्ट नंबर द मोस्ट तो इट विल बी दंड्रेड बेस पर एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ दिस काम चीज जैसे मैंने बताया है ना बैंड थ्री करस्पॉन्ड टू ट्वेंटी

उसको सेपरेट करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं ठीक है सेक्शन सी एक ही क्वेश्चन है बेटा एक मुझे बताओ वॉट स्टेन डू बी यूज इन दिस इसमें विजुअलाइज करने के लिए हम किसको यूज करते हैं ठीक है एक केमिकल को यूज करते हैं वो बताना कौन सा केमिकल है सेक्शन सी चलो ये फाइव मार्क का क्वेश्चन बेटा एक ही क्वेश्चन है सम एक्सटेक्शन आई एम ब्रेक A phosphodiester bond on both the DNA strands, such as that only one end of each molecule is cut, and these ends have regions of single stranded DNA. BAM H1 is one such restriction enzyme which binds to the recognition sequence 5 GGATTC3 and cleaves these sequences just after the 5 guanine on each strand. What is the objective of this action? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात कर रहा है बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं दे कट द डीएनए सेगमेंट एट द पैलिंड्रोमिक साइट एंड क्रिएट स्टिकी एंड्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं पैलिंड्रोमिक साइट पे डीएनए को काटते हैं एंड दे फॉर्म अ स्टिकी एंड ठीक है नाउ यू आर गिवन द डीएनए शोन बिलो अब देखो ये कहां पे काटेगा ठीक है देखो जी ए ए सॉरी जी देखो ये रहा जी ए टी टी सी सी ये रहा एक, एक येरा ठीक है या इफ यू कैन सी इधर कटेगा यस गाइस इट विल कट ओवर

यस yes. ठीक है परफेक्ट अ जीन एम वाज़ इंट्रोड्यूस इन टू इको लाइक क्लोनिंग वेक्टर पीबीआर थ्री ट्वेंट्री साइट वॉट विल बी द इंपैक्ट ऑन द रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड गिव अ पॉसिबल वे बाय विच यू कैन गेस डिफ्रेंशिएट नॉन रिकॉम्बिनेंट टू द रिकॉम्बिनेंट है तभी हमने रिकॉग्निशन साइट के बारे में पढ़ा था याद है आपको इफ यू रिमेंबर वी रेड अबाउट द रिकॉग्निशन साइट ये क्या हो गया यस द साइट विल अफेक्ट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बेटा देखो अगर आपको याद होगा जब हम ये चैप्टर करते हैं है ना बायोटेक्नोलॉजी वाला तो यू वुड सी पीबीआर 322 के बारे में बात करते हैं हम उसमें वी सी इट नीड्स टू हैव एन ओरी इट नीड्स टू हैव एन रिकॉग्निशन साइट है ना इट नीड्स टू हैव रिकॉग्निशन मार्कर मार्कर्स है ना The gene. Hence, will lose the अगर मैं तो इसका टेट्रोसाइक्लिन का रेसिस्टेंस चला जाएगा है ना बट जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे उनमें तो ये अफेक्ट नहीं हुआ है तो देव द टेट्रोसाइक्लिन रेसिस्टेंस बट जो रिकॉम्बिनेंट है जिन्होंने टेकअप कर लिया है रिकॉम्बिनें कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेट बाई प्लेटिंग टेट्रासन एज अ रिकॉम्बिनेंस विल नॉट ग्रो इन द मीडियम एंडस बिकम टेट्रासास्टेंस एंड दस यस जो रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो नहीं करेंगे जो नॉन रिकॉम सॉरी जो रिकॉम्बिनेंट है

ठीक है जब हम बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी दोबारा देखेंगे इसको ठीक है परफेक्ट आगे बहुत ही सही है बहुत ही हीशन बेस्ड बहुत ही बढ़िया सवाल था ये इसने कहा जीएम क्रॉप स्पेशली बी टी क्रॉप आर ग्रोन टू हैव हायर रेसिस्टेंट जो बी टी क्रॉप होते हैं उनको हायर रेसिस्टेंट होता है वो कॉटन बॉल वॉम से ज्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं मतलब तो सेफ रहते हैं टू सब्सटॉशियस दिस एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी वॉज कंडक्टेड

इसमें देखो इसमें प्रोडक्शन ज्यादा है ठीक है ये बीटी का प्रोडक्शन है ये नॉन बीटी का प्रोडक्शन बट इन्होंने पेस्टिसाइड थोड़ा कम यूज करा है एज कंपेयर टू दीज इसने तो अंधकार पेस्टिसाइड यूज करा तो ये तो आप तो यूज नहीं करोगे क्या है यू डोंट वांट टू यूज केमिकल्स इसने भी पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज करा है तो वी वुड गो फॉर फार्मलैंड टू फार्मलैंड टू बीटी क्रॉप बिकॉज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज हाइली रिड्यूस्ड बी टी क्रॉप डिक्रीज इन पेस्टिसाइड यूज इज ऑल्सो मोर सिग्निफिकेंट फॉर बी टी क्रॉप है ना इन्होंने क्या करा पेस्टीसाइड यूज जो है बहुत ही कम हुआ है देस्टिस यूज वेरी लेस फॉर बीटी क्रॉप और नॉन बीटी क्रॉप का पेस्टिसाइड यूज ज्यादा है बट इनसे कम है इन लोगों से कम है इसका मतलब क्या है यहां पे पेस्ट भी थोड़े कम है नाउ नेक्स्ट वन कॉटन बॉलवर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन अनदर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन द अबव ऑनलैंड वेयर इन नो पेस्टिसाइड वाज यूज्ड एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट वुड अ बीटी एंड अ नॉन बीटी क्रॉप वुड हैव ऑन द पेस्ट प्लीज देखो बेटा ये प्रोडक्शन नहीं है इनका प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं क्वांटिटी नहीं है ये बस ये बता रहे है कि कितना पेस्टिसाइड यूज करा है देखो जहां पे भी इन्होंने बीटी यूज करा है वहां पे इनको कम है, है? बट है। है? तो तो इस लैंड में देखो बीटी क्रॉप में बहुत ही कम लगा तो यहां पर हम हाँ प्रेफर करेंगे अब यह कह रहा है कि कॉटन बॉल में इंट्रड्यूस इन टू एनदर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन फार्म लैंड वेर नो पेस्टिसाइड वॉज यूज एक्सप्लेन वॉट इफेक्ट वु नॉन बीटी क्रॉप वुड है मतलब एक और जगह पे वहां पे हमने पेस्टिसाइड यूज ही नहीं करे और कॉटन को इंट्रोड्यूस कर दिया तो जो बीटी क्रॉप होगा ना बेटा वो ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा एज कंपेयर टू तो नॉन बीटी क्रॉप क्यों क्योंकि बीटी क्रॉप के अंदर क्राई जीन है जो कि इसको प्रोटेक्शन देता है कॉटन बॉल्बॉम से नॉन बीटी क्रॉप के पास पहले पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड भी नहीं है और कुछ भी नहीं है तो ये तो मर जाएगा समझ रहे हो यस

ठीक है। नॉन बी टी क्रॉप नो इफेक्ट ऑन द कॉटन जो नॉन बी टी क्रॉप होगा उसका यील्ड तो कम होगा क्योंकि उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो आई कैन सी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन सॉरी क्लास ट्वेल्थ की क्लासेस बढ़ा दो। डेफिनेटली बेटा ठीक है। आई मेक श्योर की क्लास ट्वेल्थ का कोर्स हम लोग फेब्रवरी तक खत्म कर दें है ना फेब तक खत्म कर देंगे एनी हाउ ठीक है we will we will finish it off don't worry we will try to do more classes uh, and we will finish it off okay perfect so guys please do practice this test again ठीक okay? है this is the end of the class but do practice go through the sample paper again है ना मैंने पढ़ाया दोबारा देखो मैं पूरा का पूरा चैप्टर्स दोबारा करा दूंगा ठीक है इकोलॉजी है हमारा बायोटेक्नोलॉजी बचाए सारा करेंगे दोबारा फिर हम इसको दोबारा रिविजिट करेंगे तो आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी बट एज ऑफ नाउ प्लीज अंडरस्टैंड यू है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दू एंड एनश्योर दैट ठीक है आपको सारे डायग्राम बताऊंगा कैसे ड्रॉ करना है कैसे रिप्रेजेंट करना है एंसर को वी विल मेक श्योर दैट यू डू रियली गुड ओके सो डोंट वरी बेटा नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू कब होगा किसी को आइडिया नहीं है लेट द डेट कम

इज अवेलेबल फॉर यस गाइस 5k सॉरी 5k के है वेन यूज द कोड ए आर ए प्रो जनरली यू गेट फॉर 5k ओके परफेक्ट सो गाइस आई इन द नेक्स्ट क्लास है डोंट वरी फिजिक्स का भी देखो केमिस्ट्री का भी और मैथ का भी पेपर देखो एंड यू वुड डू ग्रेट है ना जस्ट प्रैक्टिस दैम पेपर अंडरस्टैंड द स्टेप मार्किंग मैथ्स मैंने देखा था स्टेप मार्किंग है सेम गोस फॉर केमिस्ट्री और फिजिक्स ऑल्सो ठीक है बायो में भी आपने देखा कि हर एक स्टेप का हर एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का मार्किंग है तो बी केयरफुल अबाउट इट कौन परफेक्ट गाइस अरे बेटा कुछ डरावना नहीं है, वी विल प्रैक्टिस लॉट है ना डोंट वरी ठीक है लॉट्स ऑफ लवैक